आजकल डॉक्टरों की एजुकेशन और उनके द्वारा किए जाने वाले इलाज को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक सर्वे के दौरान बड़ी खबर सामने आई है कि कई ऐसे डॉक्टर हैं जो झोला छाप हैं, जिनके पास ना ही कोई सर्टिफिकेट है और ना ही कोई तजुर्बा। ऐसे में बीजेपी के मंत्री का डॉक्टरों के पक्ष में किया गया दावा गलत साबित हुआ। माना यह जा रहा है कि अधिकतर एलोपैथ की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर झोला छाप हैं। इस बात की जानकारी 6 अगस्त को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दी। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक पर पूछे जाने वाले सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के काम करने वाले डॉक्टरों की उपलब्धता में काफी अंतर है। ऐसे में ग्रामीण भारत के अधिकांश आबादी झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में है। देश में एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले 57.3% डॉक्टरों के पास कोई योग्यता ही नहीं है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 2016 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में काम करने वाले 57.3% मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर झोला छाप हैं और उनके पास कोई मेडिकल से संबंधित डिग्री भी नहीं है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस रिपोर्ट को बकवास करार दिया था। उन्होंने 2018 में लोकसभा में रिपोर्ट को गलत करार दिया था, लेकिन अब इस डाटा पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पलटी मारते हुए आधिकारिक रजामंदी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 57.3% डॉक्टरों के पास मेडिकल से संबंधित कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। WHO ने 2001 की जनगणना के आधार पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण इलाकों में 20% बिना डिग्री वाले डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया कि करीब 31% झोला छाप डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में डॉक्टरों को लेकर काफी मतभेद वाली स्थिति है। ग्रामीण इलाकों और गरीब आबादी के बीच बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है, ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, परंतु यह मान लिया कि देश में झोला छाप डॉक्टरों की कमी नहीं है। देखना यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई करता है, या फिर लोगों की जिंदगी झोला छाप डॉक्टरों के हाथों में छोड़ दिया जाएगा। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक YouTube चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही YouTube चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया YouTube चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।